बदल गई है मोना लिसा, बदल गई है, कितनी बदल गई आप खुद देख लीजिए, मोना क्या चेंज हुआ है सबसे पहले? ओह गॉड, अवतार ही बदल गया। नजर के सेट पे मैं थोड़ी हेल्दी थी तो लॉकडाउन में बस यही किया, हर टाइम बहुत ज़्यादा यू नो हेल्थ पे ध्यान दिया, वर्कआउट किया और खाने पे ध्यान दिया, नो बाहर का खाना, ऑब्वियसली लॉकडाउन में किसी को भी बाहर का खाना नहीं मिला होगा, नो जंक्स, सो दैट हेल्प्ड अ लॉट। तो मैं और विक्रांत हम लोग सिर्फ वर्कआउट करते थे एंड वी रिड्यूस्ड। कितना रिड्यूस किया ये ज़रूर पूछूंगा। 8 kgs आई लॉस्ट, या एंड आई एम वेरी हैप्पी। फिटनेस फ्रीक तो कहेंगे पहले से ही थी, मतलब विक्रांत भी काफी फिटनेस को लेकर हमेशा रहे हैं। टाइम नहीं मिलता था और मैं बस ऐसे ही ठीक है, हाँ थोड़ा लेजी भी हो जाती थी, बट ये टाइम हम लोग ने बहुत अच्छे से यूज किया। तो कितना खुद में अच्छा लग रहा है ये चेंज? बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि कपड़े फिट होने लगे हैं और एंड पीपल आर आल्सो अप्रिशिएटिंग, लाइक पीपल आर आस्किंग मी कि कैसे किया, प्लीज़ अपना ये सारी चीज़ बताओ। कितने कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं, बहुत ज़्यादा, एंड वो बहुत अच्छा लग रहा है सुन के। तो मतलब बस मैं यही सोच रही हूँ कि बस ऐसे ही रहे, फिर मैं वापस ऐसी मोटी ना हो जाऊँ। अच्छा इस बार दुर्गा पूजा कितना मिस हुआ, मतलब कितना मिस किया? एज ए बंगाली दुर्गा पूजा तो बहुत ज़्यादा मिस किया क्योंकि मैं दूसरे साल भी मैं कोलकाता नहीं जा पाती थी, वहाँ पे तो बहुत अच्छे से मनाया जाता है, बट एटलीस्ट मुंबई में बहुत सारे ऐसे पंडाल्स होते थे जहाँ मैं विजिट करती थी और माँ दुर्गा का दर्शन होता था, वो ढाक का एंड एवरी थिंग मुझे सुनने को मिलता था, बट इस बार वो सब कुछ भी नहीं हो पाया, घर पे ही थी। तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत सारे वीडियो सेंड किया, मेरी भाभी ने बहुत सारे वहाँ के कुछ वीडियो सेंड किया जो घर पे पूजा चल रही थी, तो वही सब देख के मैं इस बार खुश हूँ। दिवाली नज़दीक है, कितनी शॉपिंग और कहेंगे क्या क्या शुरू हो गया है? यू नो ये श्री आर्या में शॉपिंग करने और बहुत अच्छा कलेक्शन है ये इनके, और दिवाली के लिए स्पेशली क्योंकि आफ्टर 7-8 months आई थिंक हम लोगों को ऐसे बाहर आने को मिल रहा है एंड वी आर रियली हैप्पी कि कपड़े पहनेंगे, दिवाली मनाएंगे, ये मिठाइयाँ खाएंगे, उस दिन नो डाइटिंग, हाँ नो डाइटिंग, और फिर घर बार सजाएंगे और सुंदर दिखेंगे। अच्छा मोना है और बिग बॉस के घर के बारे में बात ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता, तो मोना का क्या व्यूज है इस बार के बिग बॉस के लिए? थोड़े अलग है इस बार, सीन पलट गया है तो कंटेस्टेंट्स आर ऑल्सो यू नो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए हैं कि करना क्या है, सो बहुत कुछ देखने को मिल रहा है, एवरी डे कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है, दोस्ती हो रहा है नहीं हो रहा है, लव अफेयर बन रहा है नहीं बन रहा है, हाँ तो धोखेबाजी एंड ऑल एवरीथिंग, बहुत कुछ, लाइक पीपल आर वेरी क्या बोले, बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो गए हैं कि हमें नॉमिनेट नहीं होना है, हमें बाहर नहीं निकलना है, कहेंगे काफ़ी संभल के खेल रहे हैं। हाँ मतलब बहुत ज़्यादा कुछ करना है, हमेशा कुछ करना है क्योंकि बिग बॉस भी एकदम वो स्ट्रिक्ट होके है इस बार, तो इसीलिए सब लोगों को ऐसा करना। अच्छा, किसको सपोर्ट कर रही है यहाँ पे? जैस्मिन है, एजाज है, रूबीना है, काफ़ी लोग हैं, मतलब मुझे इस बार अभी तक इतना समझ में नहीं आ रहे हैं बिकॉज किसका गेम अगर कहोगे थोड़ा ठीक लग रहा है अभी तक, अच्छा जा रहा है? सभी लोग गेम ही खेल रहे हैं नॉर्मली दूसरे टाइम पे थोड़ा बहुत टाइम लगता था कि हाँ ठीक है अभी शुरू हो रहा है, बट ये फर्स्ट वीक से ही कुछ लोग नहीं दिख रहे थे, कुछ लोग दिख रहे थे एंड फिर सेकेंड वीक में अलग होने लगा, अभी फोर्थ वीक में तो बहुत कुछ चेंज हो रहा है, तो थोड़ा और अभी और वाइल्ड कार्ड आएंगे, अभी देखेंगे मज़े लेंगे। कौशिक वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई है, क्या लग रहा है कविता कितना धमाल करने वाली है? वो तो कर ही रही है, आते ही कैप्टन बनी, फिर बहुत स्ट्रिक्ट होके बात कर रही है सबसे और अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रही है, सो एंड शी इज़ अ गुड कंटेस्टेंट आई फील सो। अच्छा आपके सीजन में और इस सीजन में कितना, मतलब कौन सा ज़्यादा इंटरेस्टिंग है? एनी टाइम सीजन 10 ऑब्वियसली हम तो अपना ही देखेंगे ना, हमारे में ऐसा कुछ बनावटी टाइप नहीं लगता था, लाइक दोस्ती वॉज यू नो धीरे धीरे ग्रो हुआ बना एंड वी मेंटेन दैट एंड इट्स स्टिल देयर, बट यहाँ पे सब लोग जैसे गेम के लिए ही सब कुछ कर रहे हैं ऐसा लग रहा है। लग रहा है मतलब कविता ही धमाल करेगी आगे जाकर भी, कर सकती है। अच्छा और अभी फिलहाल नई कॉन्ट्रोवर्सी भी होगी जो जान कुमार सानू ने जिसके लिए माफी भी मांगी। हाँ
वो अब एक्चुअली मैं वो एपिसोड नहीं देख पाई सो मुझे, बट मैंने बाद में जो जब उसने माफ़ी मांगा तो वो मैंने देखा है। डेफिनेटली ये सब नहीं होना चाहिए, बट वो जैसे घर में रह के ना थोड़ा बहुत लोग वो स्ट्रेस में आ जाते हैं और कुछ ना कुछ मुंह से निकल जाता है। सो एंड उसने माफ़ी भी मांगा है एंड आई होप कि जितने भी मराठी लोग हैं वो लोग उसको माफ़ कर देंगे। तो आज के आउटफिट के लिए, क्योंकि नया अवतार है, नया लुक है कहेंगे मोना का, बस मैंने इंडो वेस्टर्न टाइप है और बूट्स के साथ मैंने मैच कर लिया है। सो एंड ट्रेडिशनल शॉप में आई हूँ तो मैंने इसी मिक्स मैच करके पहन लिया। और अब कितनी जल्दी मोना, कहाँ जल्द मिल पाएंगे हम? और जल्दी, बहुत जल्दी।